हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। फाइन दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एएससी सेंटर बैंगलोर के चौकीदार रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, चौकीदार का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो चौकीदार में सिलेक्शन हुए कैंडिडेट को कैसे पता लगेगा कि चौकीदार में सिलेक्शन हुआ है या नहीं? दोस्तों, चौकीदार रिजल्ट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, बने रही वीडियो के अंत तक। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही हुआ कि एएससी में 400 प्लस वैकेंसी आउट हुई थी और उसमें फिजिकल एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी आउट हो गया था। लेकिन दोस्तों, चौकीदार रिजल्ट को छोड़कर सभी पोस्ट में रिजल्ट आउट कर दिया गया था। दोस्तों, ये बात बता दूँ कि चौकीदार का रिजल्ट नहीं आएगा। चौकीदार में सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास मैसेज या कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि उनका सिलेक्शन चौकीदार पोस्ट में कर दिया गया है या हो गया है। दोस्तों, अगर किसी भाई को चौकीदार रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो एएससी सेंटर को आरटीआई लगाकर अपने रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चौकीदार पोस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो 100% रियल न्यूज़ है। दोस्तों, इसी के साथ बता दूँ कि चौकीदार पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट में ज्वाइनिंग लेटर रिलीज कर दिए गए हैं। चौकीदार पोस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास भी नेक्स्ट वीक से ज्वाइनिंग लेटर आने लग जाएंगे। दोस्तों, अगर एएससी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि एएससी से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।